अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें इस रेड बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि जब भी मैं डालूं कोई नई वीडियो आपको मिल जाए इंस्टेंट नोटिफिकेशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज Šukh4eVeR, यू आर वाचिंग लाइफ की बात Šukh4eVer के साथ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्रीम्स। यस, हम बात करेंगे सपनों के बारे में। सपने दोस्त दो तरह के होते हैं, एक जो सोते वक्त बंद आंखों से आप लेते हो, लेकिन दूसरे वो जो आप खुली आंखों से लेते हो। खुली आंखों से लिए गए सपने आपको भूल नहीं पाते, लेकिन बंद आंखों से लिए गए सपने आपको हमेशा सुबह उठकर भूल जाते हैं। ये खुली आंखों से लिए गए सपने आपको भूलने ही नहीं देते कि आपके गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं। आपको हर पल हर लम्हा तड़पाते हैं, याद दिलाते हैं कि तुझे उस मुकाम तक पहुँचना है, उस मंजिल तक पहुँचना है, और आपको याद दिलाते रहते हैं। कहीं आपको भी ऐसे सपने तो नहीं आते? अगर आते हैं हाँ, तो चलिए बात करते हैं कैसे पूरा करें इन सपनों को। आखिर ये सपने बनाए कैसे जाते हैं? ये सपने बनते हैं एक्सप्लोरेशन से, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन से। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम खुद को समझ जाते हैं, अपना मोटिव समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं आखिर हम आए क्यों हैं, हमारा जिंदगी में क्या मकसद क्या है, हम समझ जाते हैं बने क्यों हैं हम आखिर। ऐसे लोग ज्यादातर दूसरों के लिए सोचते हैं, सपने लेते तो हैं लेकिन दूसरों के लिए। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन में हम दूसरों को देखकर अपने सपने सजाते हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करना चाहता हूं, अगर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है तो मैं भी उसको चाहता, मैं भी चाहता हूं उनकी तरह कामयाब होना। रोल मॉडल आइकन, स्टाइल आइकन हम बना लेते हैं, तो दूसरों को देखकर सपने सजाना ये भी वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। तो सपने सजाए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सजाए जा रहे हैं। आज हर कोई सपने देख रहा है, कोई दूसरों के लिए, कोई अपने लिए, कोई माता पिता के लिए तो कोई बच्चों के लिए, कोई अमीरी के लिए तो कोई ऐशो आराम के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, आखिर ये सपने पूरे हो क्यों नहीं रहे? फिर भी आज हमारे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे? आज आपको मैं बात बताऊं, 5% लोग हैं जो दुनिया पे राज कर रहे हैं, जो अपने सपने पूरे करने में कामयाब हुए हैं, जो आज टॉप पर हैं दुनिया में। लेकिन 95% में आखिर हम आ क्यों रहे हैं? आप सोच के देखिए, ऐसा क्यों है हमारे साथ? 5% में क्यों नहीं, 95% में क्यों है? तो इसका कारण है, मेन जो कारण है वो है डीमोटिवेशन। यस, डीमोटिवेशन। तो ये डीमोटिवेशन ही हमारा कारण है सक्सेस को हासिल ना करने का, अपने सपनों को पूरा ना करने का। ये दो तरह के लोग हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक जो दूसरों से डीमोटिवेट होते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लोग पागल कहेंगे, लोग नहीं जानते कि मैं ये सपने देख रहा हूं, और अगर वो समझ गए कि इस तरह के सपने हैं मेरे, तो वो तो मेरे को पागल समझेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, आज पागलों ने ही दुनिया पे राज किया है। आपको इस बात पे हंसी जरूर आएगी, लेकिन सच में जिन लोगों ने अपने सपनों को कामयाब किया है, हासिल किया है, उन लोगों को भी कभी ना कभी पागल ही कहा जाता था। इतिहास गवाह है। आपको मैं बात बताता हूं, एक इंसान जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर हाथ रखता था और पेट्रोल डालता था और कहता था ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं भी लूंगा, ये पंप जो पेट्रोल पंप जिसपे मैं पेट्रोल डालता हूं, काम करता हूं ना, आने वाले वक्त में ऐसे कई पेट्रोल पंप मैं भी इस्टेब्लिश करूंगा, खड़े करूंगा। और आप उसका नाम जरूर जानते हो, धीरूभाई अंबानी जी। आप सोच के देखिए, उस बंदे को भी उसके दोस्तों ने कहा पागल है तू, इस गाड़ी को आप सपना देख रहे हो लेकिन आप कभी पूरा नहीं कर सकते, तेरी सात पुश्तें भी इस गाड़ी को नहीं ले सकती। एक इंसान जो कहता था सूर्य की रोशनी को मैं बंद कमरे में कैद कर दूंगा, सूरज की रोशनी को मैं बंद कमरे में कैद कर दूंगा, लोग कहते थे पागल है तू, अंधेरा हो जाता है उसके बाद सूरज भी गायब हो जाता है तो कैसे कैद कर लेगा, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे पागलों वाली बातें मत किया कर। तो उस बंदे ने भी करके दिखाया। आज हम रोशनी जिसको कहते हैं बल्ब,
का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन जी। आप सोच के देखिए कामयाबी हासिल हुई। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे हम बंद कमरे को हवा में उड़ा देंगे, बंद कमरे को हवा में उड़ा देंगे, और दोस्त कहते थे पागल है, बंद कमरा चलाकर भी दिखा दे, उड़ाने की तो दूर की बात है। तो आज हवाई जहाज का आज हर कोई मजा ले रहा है, राइट? तो आप सोच के देखिए, आज हमारे पास ढेरों उदाहरणें हैं। आप नेट खोलिए, गूगल पे सर्च मारिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको पागल कहा जाता था। और अगर आज आपको भी पागल कहा जा रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो। दूसरे तरह के डिमोटिवेशन के वो लोग हैं जो खुद को डिमोटिवेट करते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। हालात नहीं है मेरे ऐसे कि मैं कर सकूं। मैं गरीब हूं तो अमीरी के सपने कैसे देखूं? तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस कंफर्ट जोन को आप ढूंढ रहे हो कभी नहीं मिल सकता हो, वो आपको कंफर्ट जोन कभी नहीं मिलेगा। और आपको मैं एक बात बताऊं, आपकी दशा क्या है, आपकी दशा क्या है ये मायने नहीं रखता दोस्त। आपकी दिशा क्या है, आपके गोल्स क्या है, टारगेट्स क्या है, ये जरूर मायने रखता है। आपकी दिशा क्या है ये याद रखना बात को, कि दिशा जरूरी है, दशा जरूरी नहीं है। जिस कंफर्ट जोन को ढूंढ रहे हो ना, आज जितने भी वो 5% लोग हैं ना, उनकी बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज आप पढ़ के देखना, आप देखोगे कि वो कंफर्ट जोन में नहीं, प्रॉब्लम से, समस्याओं से लड़कर, हालातों के विपरीत जाकर उन्होंने कामयाबी को हासिल की है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग अपनी मंजिल तो देख लेते हैं, सपने तो सजा लेते हैं, लेकिन जब रास्ता डिसाइड करने की बात आती है तब हम घबरा जाते हैं। हम मुश्किल रास्तों को नहीं, आसान रास्तों को चुन लेते हैं। तो हम जो चुनाव कर रहे हैं अपने रास्तों का, उसके ऊपर ध्यान दें। हमारी मंजिल बहुत हसीन है, लेकिन रस्तों की फिक्र मत करो, तभी आप कामयाब हो सकते हो। तो आखिर में दोस्त, हम बात करेंगे तीसरे तरह के लोगों की, जो कि विश्वास ही नहीं करते सपनों पर। वो सपने देखना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं सपनों जैसी कोई चीज होती नहीं है। वो अपने हालातों को कोसते रहते हैं, वो दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, परमात्मा पर, माता पिता पर, अपने हालातों पर दोष लगाते रहते हैं कि इसके कारण मैं ये इस हालात में हूँ। वो खुद के और देखते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक सोच सकता हूँ। वो सपनों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा दोस्त, कि अगर आपका जन्म गरीब घर में हो गया ना, तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप मर गरीब जाते हो, इसके सिर्फ और सिर्फ कसूरवार आप हो। यस, सिर्फ और सिर्फ कसूरवार आप हो। तो हमें सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए। सपनों को देखोगे, एक दिलासा जरूर होगी आपके दिल में, आपको एक उम्मीद जरूर जागेगी कि मेरे हालात अच्छे जरूर होंगे। तो सपने देखना यार, सपने देखना बंद मत करना कभी। और आखिर में, लास्ट में चंद लाइनें कहना चाहूंगा। अरे आज नहीं तो और कभी करोगे हम पे गौर, कभी वक्त बदलते देर नहीं लगती दोस्त। आएगा हमारा दौर, कभी तो वो दौर जरूर आएगा, आएगा जरूर, हम लेकर जरूर आएंगे उस दौर को, अपनी मेहनत से जरूर उस दौर को हम हासिल करेंगे। ता सपने पूरे हो सकते हैं, आप हर उस मंजिल को पा सकते हो जिसको आप चाहते हो। बस चलना होगा, चलते रहना होगा। सक्सेस इज लाइक योर ऑन शैडो, इफ यू ट्राई टू कैच इट यू विल नेवर सक्सीड, बट इफ यू विल कीप मूविंग इट विल फॉलो यू। कामयाबी आपकी परछाई की तरह है, अगर आप उसे पकड़ना चाहो आप पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो कामयाबी आपको फॉलो करेगी। तो इसी तरह से दोस्त, आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हाँ एक बात कहना चाहूंगा, दो अपने सपने जरूर शेयर करना, इससे आपको फायदा मिलेगा। दीज वर्स, थैंक यू वेरी मच।